स्वागत है आप लोग का आज की अगली क्लास में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेडिकल चालू कर चुके हैं, फ्री रेडिकल। बड़ा इंटरेस्टिंग था, हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। रेडिकल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, स्टेबिलिटी ऑर्डर, और फाइनली हमने ये भी चालू कर लिया था कि रेडिकल्स बनते कैसे हैं। तो तीन मेथड्स हमने किए थे। फर्स्ट वॉज फोटोलिसिस, सेकेंड वॉज थर्मोलिसिस, एंड थर्ड वॉज बाय रेडिकल इट्सेल्फ। रेडिकल से रेडिकल बनाना था, रेडिकल से रेडिकल बना रहे थे हम। तो उसमें एक और तरीका हम कर सकते हैं रेडिकल से रेडिकल बनाने में। उसके साथ चार पाँच छः पार्ट थे, मुझे याद नहीं है। एक पार्ट और ऐड कर सकते हैं इसमें, रेडिकल से रेडिकल बनाना। इस टाइप की चीज़ें जो हैं, देखिए CO2 निकल जाएगा और रेडिकल बन जाएगा ऐसा। तो C डॉट O डॉट CO2 और R पर डॉट आ जाएगा। तो रेडिकल से रेडिकल बनाने में ये भी एक मेथड है। एक और मेथड अगर मैं आपको बताऊं तो इसी में मैंने कराया भी था आपको, इस टाइप की चीज भी आपको क्या देगा बताइए, बेंजाइल रेडिकल दे देगा प्लस CO2। ओके, एक और मेथड है, फोर्थ मेथड। तीन मेथड मैंने आपको करा दिए, पहला था फोटोलिसिस, दूसरा थर्मोलिसिस, तीसरा था रेडिकल से रेडिकल बनाना, और फोर्थ मेथड जो है वो है बाय यूज ऑफ मेटल या फिर मेटल आयंस। मेटल या मेटल आयन यूज करके भी हम रेडिकल बना सकते हैं, सुन लेना, मेटल या मेटल आयन यूज करके भी हम रेडिकल बना सकते हैं। जैसे जरा इस क्वेश्चन को देखें, यह है सोडियम मेटल, यह है सोडियम मेटल, और इसे मैंने एक RX पर डाल दिया, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, तो यू कैन इजीली हैव कि भैया एक बात बताओ, यहाँ X लीविंग नेचर रखता है, X लीविंग नेचर रखता है, तो अगर X यहाँ से भागने की फिराक में रहेगा तो R पर क्या आने लगेगा, पार्शियल प्लस। एंड इन दिस केस अगर सोडियम, इन दिस केस अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है तो R प्लस जो कि होता, वो एक इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या बन गया, R डॉट और Na प्लस और X माइनस। Na के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, RX में R इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, एक्चुअली RX पूरा इलेक्ट्रोफाइल होता है एंड R इलेक्ट्रोफिलिक साइट, X के पास लीविंग टेंडेंसी है, तो एक्स जब निकलने की टेंडेंसी रख रहा होगा तो आर पे पार्शियल प्लस डेफिशिएंट साइट होगी, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसी को टारगेट करेगा और ये साइमल्टेनियस होगा, एक्स का टूटना हटना और इसका इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना एक साथ होगा, एंड यू वुड गेट इट आर डॉट ए रेडिकल। सिमिलियरली ये देखिए, जैसे मेरे पास और यहां तुमने डाल दिया लिथियम मेटल, लिथियम, तो मेरे ख्याल से आपको ये रेडिकल मिलेगा और LiCl मिलेगा। तो रेडिकल बनाने के लिए खूबसूरत मेथड है आपके सामने, एक बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूं। लुक एट ये आपका, यहां पर मैंने आपको दिया है वेनेडियम प्लस टू, क्लियर, और ये है केटायन। तो ये इनकी रिलेटिव एबिलिटी ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन डिपेंड करेगा, ये प्लस इससे एक और इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, इससे एक और इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और ये रेडिकल बन जाता है और वेनेडियम +3 में चला जाता है। तो आयंस भी इन्वॉल्व होते हैं रेडिकल फॉर्मेशन में। एक और देता हूं मैं आपको, इफ वी आर स्टार्टिंग विथ फिनॉक्साइड आयन O-Na+, इफ वी आर स्टार्टिंग विथ फिनॉक्साइड आयन और आप यहाँ ले लें K3Fe CN होल 6, यहाँ Fe+3 है, Fe+3, तो वो O- का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और आपको O डॉट मिलेगा। सो यू कैन इजिली फाइंड इट कि रेडिकल मेटल के यूज से या मेटल आयन के यूज से भी बन सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये रिएक्शंस पूरी नहीं है, ये केवल फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल तक है। अब ये रेडिकल बनने के बाद कोई ना कोई रिएक्शन करेगा, जैसे आपने देखा था केटायन बनने के बाद या तो कॉम्बिनेशन रीअरेंजमेंट करता था, अरेंजमेंट के बाद या तो कॉम्बिनेशन करता था या एलिमिनेशन करके आंसर देता था, उसी तरीके से ये रेडिकल्स भी बनने के, देखिए यहां तक तो बनना है, हमें देखना था तो हमने देख लिया, और अब हम जो देखेंगे
वो ये है कि रिएक्शंस शोन बाय फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, क्लियर। फ्री रेडिकल कौन सी रिएक्शन शो करता है, तो आपको मैं बता दूं, पहली बात रीअरेंजमेंट, जैसा कि केटायन में था, कॉम्बिनेशन, एंड थर्ड जिसे आप एलिमिनेशन बोलते थे वो यहां पर डिसप्रोपोर्शियोनेशन बोला जाता है, डिसप्रोपोर्शियोनेशन। तीन काम रेडिकल बनने के बाद पॉसिबिलिटीज हैं, तीन पॉसिबिलिटीज, वेदर इट कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन और डिसप्रोपोर्शियोनेशन। लेकिन 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 सुने, रीअरेंजमेंट की अगर हम बात करें, रीअरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो आपको बता दूं, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, आपको रेडिकल में रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। रेडिकल्स में एक्चुअली रीअरेंजमेंट बहुत नाम मात्र के होते हैं और आईआईटी के सिलेबस में तो नहीं ही होते हैं, तो सीधा सीधा आप बच गए हैं। रेडिकल जिस जगह पर बनेगा उसी जगह पर आंसर देगा, वो कूद काद के इधर उधर रिंग एक्सपेंशन हाइड्राइड मिथाइल फिनाइल से कुछ नहीं होती, सो यू कैन बी हैप्पी। ध्यान से सुनना, मैंने एक्चुअली अब रेडिकल मैनेजमेंट होता है बट आईटी के सिलेबस में नहीं कराना है आपको, किसी क्वेश्चन में नहीं कराना है, तो नो रीअरेंजमेंट, मैं तो आईटी के हिसाब से लिखा रहा हूं, इज सोन, ठीक है ना, नो रीअरेंजमेंट इज सोन। रेडिकल में रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। रेडिकल कॉम्बिनेशन करना बहुत पसंद करता है, कॉम्बिनेशन इज ए इजी प्रोसेस, और रेडिकल इज कंबाइनिंग विद अनदर, तो इट्स ए इजी प्रोसेस, ओके। सो ध्यान से सुने, मोस्ट ऑफ रेडिकल्स अंडरगो इन दिस प्रोसेस, ठीक है, इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3.A को मैंने Cl डॉट दिया, क्लियर। एक्चुअली इन क्वेश्चंस यू वुड फाइंड कि Cl डॉट नहीं होता, Cl2 होता है सोर्स। Cl डॉट कहाँ से आया होगा, Cl2 से आया होगा, तो एक्चुअली Cl2 लिखा होता है, बट अभी हम इसे कॉम्बिनेशन के फॉर्म में CH3 प्लस Cl डॉट से समझेंगे। तो ये हो गया CH3Cl डॉट डॉट बॉन्ड। अब आप देखें, ये है CH3 CH2 डॉट Cl डॉट C, मैंने ये रेडिकल दिया Cl डॉट D, मैंने ये रेडिकल दिया Cl डॉट, ठीक है। तो आंसर बनाने में कुछ नहीं जा रहा, बट वॉट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि अगर मान लो रेडिकल अकेला है, इफ इन, ध्यान से सुनेंगे, इनर्ट मीडियम सुनना, मान लो रेडिकल अकेला है CH3 डॉट अकेला CH3 डॉट है और कोई रेडिकल नहीं है, तो मेरे भाई उस केस में CH3 अपने आप से ही जुड़ जाएगा। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है इन दिस केस, डाइमराइजेशन हो रहा है, CH3 डॉट अपने ही CH3 डॉट रेडिकल से जुड़ रहा है। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, दो रेडिकल को जुड़ने के लिए पास आना पड़ेगा, और पास आना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं स्टीयरिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, स्टीयरिंग फैक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइमराइजेशन और कॉम्बिनेशन इज 1/ स्टीयरिंग क्राउडिंग। क्राउडिंग ज्यादा होगी तो कॉम्बिनेशन का रेट कम होगा, ठीक है। सो सोचने वाली बात यह है कि अगर आपके पास CH3 CH2 डॉट हो और अगर आपके पास CH3 CH डॉट CH3 हो, और ये तो फिर भी ठीक है, अगर आपके पास ये वाला रेडिकल है, मैं इसे अलग लिख देता हूँ, तो इसका आंसर तो बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन आपको पता रेट घट रहा है, चीज़ें जैसे उनका साइज बढ़ रहा है, रेट जो है वो घट रहा है। अब यहाँ एक मज़ेदार चीज़ देखने को मिलेगी
कि रेट घटते 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 अगर मैं आपको ये वाला रेडिकल दे दूं C CH3 C, तो यहां बड़ा बवाल होता है, क्योंकि ये टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल है जिसमें कार्बन पर ऑलरेडी 3 मिथाइल है। तो अगर ये अपने मॉलिक्यूल से डाइमर बनाएगा तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये प्रोसेस निहायती स्लो होगी, निहायती स्लो। और ये जो बनेगा ये VPY होगा। VPY का मतलब होता है वेरी पुअर यील्ड, वेरी पुअर यील्ड मतलब बहुत कम बनेगा, बहुत कम बनेगा। अब आप कहोगे सर कम बनेगा, ये बहुत कम बनेगा तो ये रेडिकल क्या करेगा? मेरे भाई रेडिकल रिअरेंजमेंट कर नहीं सकते, इसके बस में कॉम्बिनेशन है नहीं। तो अब मेरे भाई जो रेडिकल्स हैं उनके पास डिसप्रोपोर्शनेशन का ऑप्शन होता है, ध्यान से देना देखना। यानी कि ऐसे रेडिकल बेसिकली कैसे, जो कॉम्बिनेशन ना कर पाए। कॉम्बिनेशन कौन नहीं कर सकता? जो बल्कियर है, जो साइज में बड़ा है, जो बड़ा वाला है। ओके, सो स्टेरिकली क्राउडेड, क्लियर? रेडिकल्स यूजुअली डू नॉट अंडरगो इन कॉम्बिनेशन, ठीक है? दे ऑल प्रेफर व्हाट? डिसप्रोपोर्शनेशन। मेरे भाई बहुत आसान है डिसप्रोपोर्शनेशन, ध्यान से देखें, सारे लोग देखेंगे। ये आई पार्ट है इसका, ये CH3, ये है C, ये है CH3, ये है CH3। अब देखने वाली बात ये है कि यार इस रेडिकल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप कुछ करो या ना करो, इस रेडिकल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है? 2 मोल है, इस रेडिकल को इलेक्ट्रॉन चाहिए था। और हमें पता है कि ये सी इस सी से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ये सी भी 3 मिथाइल से घिरा हुआ है और ये सी भी 3 मिथाइल से घिरा हुआ है। सो क्राउडिंग रिपल्सन पास नहीं आ पाएगी। तो ऐसे समय पर करना क्या है, जिस कार्बन पर रेडिकल है उसके बाजू वाले कार्बन, जिस कार्बन पर रेडिकल है उसके बाजू वाले कार्बन, तो ये तीनों सेम है तो कोई भी एक ले लो, उसके बाजू वाले कार्बन का CH बॉन्ड, उसके बाजू वाले कार्बन का क्या CH बॉन्ड टूटता है, ध्यान से सुने, CH बॉन्ड टूटता है और H डॉट और C डॉट बनता है, यहां H डॉट यहां C डॉट बनता है, और ये H डॉट यहां जाता है। H छोटा होता है इसलिए इसे यहां जाने से कोई रोक नहीं सकता। फिर से सुन लो सारे, रेडिकल के बाजू वाले अल्फा कार्बन का CH बॉन्ड होमोलिटिकली टूटता है, इसका H डॉट इसके पास आता है क्योंकि H पर रिपल्सन नहीं लगेगा तो H यहां आता है, और इस C पर डॉट है और इस C पर डॉट है तो डॉट डॉट बॉन्ड बन जाता है। मैं आपको बताता हूं, बॉन्ड का टूटना और H का इधर जाना, H का इधर जाना तो बहाना है H के साथ एक इलेक्ट्रॉन, H के साथ एक इलेक्ट्रॉन को इधर पहुंचाना है। तो इस पहले वाले ने इलेक्ट्रॉन लिया है, और अगर पहले वाले ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि पहला वाला रिड्यूस हुआ है और दूसरे वाले ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। तो मेरे भाई CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ये ऑक्सीडेशन है। अरे सिंपल, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और जो लेता है उसका रिडक्शन होता है। तो आप देखें, ये है आपका आइसोब्यूटेन और ये है आपकी आइसोब्यूटीन या आइसोब्यूटाइलीन, कुछ भी बोले। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है जो मोस्ट ऑफ द बल्कियर रेडिकल्स प्रेफर करते हैं। चलिए मैं आपको एक और रेडिकल दे रहा हूँ, ये वाला देखिए, ये थ्री डिग्री है। तो क्या आप पॉसिबल डिसप्रोपोर्शनेशन से आई हुई प्रोडक्ट बता सकते हैं? पॉसिबल डिसप्रोपोर्शनेशन से आई हुई प्रोडक्ट बता सकते हैं क्या? देखिए तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। एक्चुअली इसके पास 2 डिफरेंट अल्फा हैं, तो मेरे ख्याल से जो इलेक्ट्रॉन लेगा
वो तो ये होगा H निकल के यहां लगेगा, और इलेक्ट्रॉन दो जगह से जा सकते हैं, इधर से जाए H तो भी यही बनेगा, इधर से जाए H तो भी यही बनेगा, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कुछ ऐसे रेडिकल बताओ जो कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन ना करें, कुछ ऐसे बताओ जो कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन ना करें, सी एस थ्री डॉट, ऐसे तो बाजू वाला कार्बन ही नहीं है, ओके तो इसे ऐसे लिख लेते हैं, नोट जैसा करके लिख लेते, सी एस थ्री डॉट हुआ, बेंजाइल रेडिकल हुआ, सही है, टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल हुआ, सॉरी नियोपेंटाइल रेडिकल हुआ, वुड नेवर अंडरगो इन डिस्प्रोपोर्शनेशन। अरे इनके बाजू में देखो यार, यहाँ कार्बन है तो H नहीं, यहाँ कार्बन ही नहीं है, यहाँ कार्बन है तो H नहीं, सिंपल सिंपल चीजें हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लें, अब हम पूरे क्वेश्चंस करेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन होंगे, पूरे क्वेश्चन करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, ओके लुक एट वन क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, लुक एट दिस, इट्स अ फिनॉल, और मैंने कहा NaOH डालो, और सेकंड मैंने कहा K3FeCN6 डालो। अगर आपके पास दिमाग है तो आप ये याद, आपको आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हमने आज ही किया है, ये क्वेश्चन हमने आज ही किया है। अब देखें आपको याद आता है, फिनॉल पर पहले NaOH डाला, तो आओ इसे सॉल्व करें, बताओ जरा क्या हो जाएगा, बोलो, अरे बोल दो यार, फिनॉल पर है NaOH, तो फिनॉल को डीप्रोटोनेट कर देगा वाटर, और हमारे पास क्या आ जाएगा, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, और अगर आपको याद हो K3FeCN6, असल मैंने ये रिएक्शन लिखी थी, और इसमें मैंने कहा था Fe+3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और आपको एक रेडिकल देगा, देगा रेडिकल, यहां तक तो आपने किया था, यहां तक आपने किया था। अब आप ये देख सकते हैं कि ये रेडिकल रेजोनेंस करेगा और आपको क्या क्या रेडिकल और देगा, ठीक है, और रेजोनेंस करेगा, तो ये हर जगह आप देखें ये चीजें उपलब्ध हैं। अब बताओ रेडिकल अकेला है, रेडिकल अकेला है, अकेला रेडिकल क्या करता है, डाइमराइजेशन, कॉम्बिनेशन। तो मेरे भाई अगर मैं इस वाले रेडिकल को देखूं, ये वाला रेडिकल, ये रेडिकल अपने आप से जुड़ गया, अपने आप से, अगर ये रेडिकल अपने आप से जुड़ गया तो आपको सच सच बताओ ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, ओके प्लस। अगर ये रेडिकल इससे जुड़ गया देखो ये मिलेगा, और अगर ये रेडिकल अपने आप से जुड़ गया डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। देखिए ऐसी और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन पर रेडिकल जो होता है वो वाला कनेक्शन बहुत माइनर सेगमेंट में होता है, तो और भी बहुत पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है, तो हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बट वो होंगी। अब अगर इन सारी प्रोडक्ट्स को थोड़ा ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपको पता है कि ये सब टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं, सारे टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं, ये वाला इस H के साथ स्पेस टॉटोमेरिज्म कर ले, ये वाला इसके साथ स्पेस टॉटोमेरिज्म कर ले, ये स्पेस टॉटोमेरिज्म कर ले, ये ट्रायड सिस्टम, ट्रायड ट्रायड सिस्टम, ये ट्रायड, ये ट्रायड। अरे भाई अगर ये अगर टॉटोमेरिज्म कर लें तो यू वुड फाइंड कि पहला वाला जो होगा वो ये मिलेगा, दोनों एरोमेटिक रिंग अलोंग विथ टू OH ऑन अपोजिट कार्बन प्लस, एरोमेटिक है भाई, अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो देखें
ये आंसर मिलेगा। और अगर आप लास्ट वाले को समझ पा रहे हैं, OH, ये प्लस और भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगी, बट जो डोमिनेटिंग है हमने उसकी बात की। तो ये है, आप देखें एक पूरी कंप्लीट रेडिकल रिएक्शन, इसमें NaOH ने पहले फिनॉक्साइड बनाया है और फिर उसका रेडिकल और कॉम्बिनेशंस जो थे वो हमने लेकर प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, ओके, सो इजी है ये। आसान है, आसान। चलिए एक काम करते हैं, सेम क्वेश्चन को वापस रिपीट करते हैं। सोचो जरा, अगर मैं एक क्वेश्चन और दूं, क्वेश्चन नंबर 2, ये फिनॉल, ठीक है, और यहां है NaOH और यहां है K3FeCNO6, क्लियर। ये सेकंड क्वेश्चन। अब अगर मैं इससे आपका प्रोडक्ट पूछूं तो आपको अगर सेम क्वेश्चन है सेम आंसर आएगा, अरे प्रभु पता है सेम क्वेश्चन है। सोचो और ध्यान से सोचो, अगर इसके आर्थो पोजीशन पर, अगर इसके आर्थो पोजीशन पर मैं टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दूं, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो मेरे भाई जो रेडिकल बनेगा इसके आर्थो पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा और आर्थो से ये नहीं जुड़ पाएगा फिर, क्योंकि आर्थो इतना क्राउडेड हो जाएगा कि ये आर्थो से नहीं जुड़ पाएगा। तो आप देखें इन तीन में ये दो प्रोडक्ट गायब हो जाएंगी, क्योंकि आर्थो पर इतना बड़ा ग्रुप अगर लग गया तो इस साइड से ये किसी से नहीं जुड़ पाएगा, बिकॉज इट्स वेरी क्राउडेड। तो अगर आप इसका आंसर डायरेक्ट बनाना चाहते तो उसका आंसर ये आएगा, देख लें इसका आंसर ये आएगा। और थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो और मजा आएगा आपको। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है OH और सेम वही कॉम्बिनेशन है NaOH। अब यहां तो और समस्या आपके नजर एक जगह से हो रहा था कॉम्बिनेशन, वो भी आपने गायब कर दिया, उड़ा दिया। समझना है आपको, बेसिकली आपको मैं बताऊं, जब कोई रिएक्शन होती होगी तो ऐसे थोड़े पता चल जाता होगा कि देखो ये यहां से क्या हो रहा है, रेडिकल बना है, ऐसा रेडिकल वेडिकल कुछ दिखता नहीं है, ये सब तो एक प्रपोज्ड थ्योरी होती है। और रेडिकल क्यों नहीं दिखता, क्योंकि बनते ही वो क्या कर जाता है, कॉम्बिनेशन या डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये फिनोमेना बहुत फास्ट होता है। So it's not actually very easy for scientists to identify कि कौन सा intermediate reaction के दौरान बना है। वो theoretically और कई सारे experiment से समझ लेते हैं, guess कर लेते हैं, proof कर देते हैं कि ये बना होगा, but वास्तविकता में intermediate बने, उसे देखा जाए, उसे store किया जाए, ये बहुत कम जगह पर हुआ है और ये उसकी एकमात्र reaction है, ये उसकी एक रिएक्शन है। आप देखें जरा, ये ओ डॉट बना है, ठीक है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये इंटरमीडिएट ही इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, क्योंकि आपने इस रेडिकल को किसी लायक नहीं छोड़ा है। देखो ये ओ डॉट पर है, उसके अगल बगल दो बड़े ग्रुप हैं, तो ये ओ डॉट से भी कंबाइन नहीं कर सकता। फिर ये रेडिकल यहां आएगा तो यहां ये लगाया तो नहीं कर सकता, यहां आएगा तो इसकी वजह से, वहां जाएगा तो उसकी वजह से। तो इस रेडिकल को आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये रेडिकल लेबोरेटरी में बनाकर आइसोलेट किया गया है, एंड इवन इट कैन बी स्टोर्ड, इसे स्टोर किया गया। और बताता हूं आपको कि मेरे भाई ये जो कंपाउंड, ये जो रेडिकल है, ये ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, ब्लू क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, और जहां तक मुझे इसका डेटा याद आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट 92 डिग्री सेंटीग्रेड है। नाम की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो इट्स अ 2 4 6
ट्राई टर्सरी ब्यू, ठीक है, ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी फिनाइल रेडिकल, ठीक है, एंड इट इज स्टोर्ड इन लेबोरेटरी, इसे कर सकते हैं। अच्छा, आप सोचो और ध्यान से सोचो, अगर भूल से भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, फोर्थ पार्ट ओ एच, अगर भूल से भी एक मिथाइल कम हो जाता तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता, फिर वो वहीं से डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता। क्या आप समझ गए हैं? क्या आपको इतना समझ में आया कि डिस्प्रोपोर्शनेशन कहाँ से होता? बोलो, करो यार। इसलिए एक भी एच हमने अल्फा पर नहीं छोड़ा है ऊपर वाले क्वेश्चन में एक भी अल्फा एच हमने नहीं छोड़ा है। तो अगर एक मिथाइल हटेगा तो यहाँ एक अल्फा एच आ जाएगा, और ओ डॉट यहाँ यहाँ यहाँ, जब जैसे यहाँ आएगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का चांस मिल जाएगा। सो ऐसे केस में ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेडिकल इंट्रोडक्शन, रेडिकल फॉर्मेशन, रेडिकल कौन कौन सी रिएक्शन करेगा, एंड नाउ वी आर मूविंग टू फॉर एप्लीकेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। हम रेडिकल्स के एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो चालू करते हैं। बहुत आसान सेगमेंट है, बहुत ही ज़्यादा आसान सेगमेंट है। सो फर्स्ट रिएक्शन हम जो करेंगे एप्लीकेशन पार्ट में वो है पिनाकोल फॉर्मेशन। ये नाम आपने पहले भी कहीं सुना है, पिनाकोल फॉर्मेशन, ये नाम पहले सुना है आपने। पिनाकोल टू पिनाकोलोन में, पिनाकोल क्या था? जिसमें अगल बगल ओएच थे। विसिनल डायोल क्या था? विसिनल डायोल। तो आज हम पिनाकोल बनाएंगे, पिनाकोल फॉर्मेशन। देखिए पिनाकोल फॉर्मेशन कैसे होता है, आपको इसके लिए कार्बोनाइल लेना है। सारे लोग देखिए, कार्बोनाइल लेना है, यू कैन यूज एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। आर वन आर टू सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। इसके दो मोल लगते हैं, सारे लोग सुने, इसके दो मोल लगते हैं। मैग्नीशियम, सारे लोग देखेंगे, मैग्नीशियम मरकरी कपल MgHg, ठीक है, Hg का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, MgHg मैग्नीशियम मरकरी कपल यूज करते हैं, क्लियर, और बाद में जल डालते हैं। तो मेरे भाई आंसर देखना, आंसर मज़ेदार होता है। ये इस तरीके से पिनाकोल मिलता है, R1, R2, R1, R2, क्लियर। तो ये आंसर मिलता है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी प्रोडक्ट आई है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान से सुन लेना, ये आपसे डंके की चोट पर पूछा जा सकता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है कि ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, मतलब वो स्टीरियो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सोचिए, अगर R1 R2 बराबर हो गए, अगर R1 R2 बराबर हो गए तो कोई भी सेंटर काइरल नहीं होगा, सिमेट्री आ जाएगी। तो मेरे भाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट उस समय एक होगा, और समझदार के लिए काफ़ी इशारा, अगर R1 R2 बराबर नहीं हुए तो मैं मानता हूं कि आप शायद समझ गए होंगे, फिर दोनों सेंटर काइरल होंगे और सिमेट्री होने की वजह से तीन, एक मीजो और दो एनेंसियोमर्स बन जाएंगे। क्वेश्चंस करते हैं, उसमें देख लेते हैं। आओ बच्चों क्वेश्चन करें मेरे भाई, निहायती आसान मैकेनिज्म है, चालू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। देखें कैसे, ये देखिए कीटोन है, ये R1, ये है CO, ये R2, और ये आया मैग्नीशियम, दो इलेक्ट्रॉन लेकर आया, दो इलेक्ट्रॉन। मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना,
और अगर आप कार्बोनाइल को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में है, इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में है। तो एक एमजी दो कीटोन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है एक एक करके, एक एक करके। देखिए सी डबल बॉन्ड ओ की तरफ पोलराइज होगी, ओ पर माइनस आया होगा तो सी पर जो प्लस आने वाला था उस पर एमजी ने एक इलेक्ट्रॉन देकर आपको एकदम रेडीमेड एकदम फ्रेश दो रेडिकल बना कर दे दिए, दो रेडिकल बना कर दे दिए। ये देखें मेरे भाई ये इससे इसमें एनायन भी है ऊपर और रेडिकल भी है इसलिए हम इसे एनायन रेडिकल बोलते हैं, इसलिए हम इसे एनायन रेडिकल बोलते हैं। तो ये रेडिकल मिला आपको। अब आप कहोगे सर ये क्या था Mg ने एक एक दो को दिया, ऐसा नहीं होता। अच्छा कि Mg एक ही को दो दे देता। मेरे भाई अगर Mg एक ही को दो दे देता तो इस कार्बन पर भी माइनस आ जाता, तो माइनस माइनस फिर क्या होता, एक कार्बन को दो इलेक्ट्रॉन दोगे तो फिर एक से प्लस न्यूट्रल होगा जो उस कार्बन पर प्लस आने वाला था, एक दोगे तो न्यूट्रल होगा, एक दोगे तो माइनस आ जाएगा। तो भैया दो अगल बगल माइनस नहीं चाहिए अपने को, दो अगल बगल माइनस नहीं चाहिए, ठीक है। चलो एक बात, दूसरी बात मैं अगर आपसे पूछ लूं कि ये कार्बन की डिग्री कितनी है, प्रभु इस कार्बन की डिग्री कितनी है, तो याद रखना टू डिग्री है, ये कार्बन टू डिग्री है, थ्री डिग्री मत मानना। ऑक्सीजन से डिग्री नहीं डिसाइड होती, डिग्री कार्बन से डिसाइड होती। और टू डिग्री तक आपने देखा कॉम्बिनेशन, ये रेडिकल बन गया है, अब ये रेडिकल अकेला पड़ा हुआ, आई मीन इस रेडिकल के अलावा और को रेडिकल के ही मॉलिक्यूल है, कोई और दूसरी चीज के मॉलिक्यूल नहीं है, तो यार क्या करेगा, बोलो क्या करेगा, डाइमराइज हो जाएगा। और डाइमराइज हो जाएगा तो कैसे होगा, डॉट डॉट बॉन्ड बना लेंगे मेरे भाई, बॉन्ड बना लेंगे। और बताओ इन ओ माइनस के आसपास कौन डोल रहा होगा, एम जी प्लस टू। अरे डोलने दो अपने को, क्या लेना देना, ए ध्यान से सोचो और बताओ क्या ये और इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या, क्या ये वाली चीज और इलेक्ट्रॉन ले सकती है क्या, नहीं ये तो खुद माइनस है, इसमें दो दो ओ माइनस है तो ये और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, जल है कि मानता नहीं। मेरे भाई इस ओ पर जल का एक एच जाएगा और एम जी पर ओ एच जाएगा, फिर इधर एक एच जाएगा उधर ओ एच जाएगा, तो एम जी तो दो ओ एच लेके निकल लेगा और बनने वाली चीज होगी आर वन सी ओ एच आर टू आर टू OHR1। अब अगर आप एक और चीज सोचो, एक और चीज सोचो, ये एक प्लेनर रेडिकल है, प्लेनर रेडिकल देखना जरा, कार्बन R2 R1 O माइनस C पर डॉट, ठीक है, इट्स लाइक ऐसा एक रेडिकल, ऐसा एक रेडिकल, तो इनके तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, एक ऐसे जुड़ जाए, दूसरा ये जुड़ जाए, तीसरा ये जुड़ जाए, पहला दूसरा तीसरा, समझ में आया आपको, ये ऊपर O माइनस है, O माइनस O माइनस बीच में रेडिकल, ऐसे जुड़ेगा तो मीजो वाला बनेगा, मीजो वाला बनेगा, एक दूसरा तीसरा, समझ में आया आपको, पहला मीजो और ये एनेंसियोमर्स बन गए। हेलो हाँ मैं सतगुण सिन्हा की एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन मीजो एनेंसियो मर्स, हो गया भाई हो गया हो गया, इसलिए तीन ऑप्टिकल आइसोमर्स यहां पर आ रहे थे, खत्म है यार, अब इसमें कुछ है थोड़े यार, क्या इसमें बताया जाए, नोट में एक ही पॉइंट लिख सकते हैं बस, एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट, एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट, ठीक है, और कुछ नया नहीं है यहां पर, बहुत ईजी है। अच्छा रिडक्शन ये भी लिख सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल, अरे यार जो जो इलेक्ट्रॉन खाएगा उसका तो रिडक्शन ही होगा, पूरी केमिस्ट्री में जिस भी रिएक्शन के आरओ पर मेटल है वो रिएक्टेंट तो रिड्यूस ही होगा ना, क्योंकि मेटल तो इलेक्ट्रॉन देगा और मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर रिएक्टेंट को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो ये रिडक्शन ऑफ क्या है, कार्बोनाइल। अब मैं आपको इसमें कोई नया क्वेश्चन नहीं दे सकता, मैं केवल R1 R2 बदल बदल के क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, कुछ क्वेश्चन तो देने ही पड़ेंगे मुझे, CH3 COCH3 एंड ये है आपका Mg मरकरी, ये मरकरी का काम सरफेस एरिया को इंक्रीज करना होता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले। सेकंड ये करना है
थर्ड जो करना है वो ये करना है, फोर्थ जो है देखिए एक इंट्रामोलिक्यूलर भी होगा, आई होप आप समझ जाएंगे। अगर आपको देखो इस रिएक्शन के लिए आपको दो मोल कार्बोनाइल चाहिए, दो मोल कार्बोनाइल चाहिए, दो सी डबल बॉन्डो चाहिए। लेकिन अगर आपके कंपाउंड में ऑलरेडी दो सी डबल बॉन्डो हैं, ऑलरेडी दो सी डबल बॉन्डो हैं, तो आपको दो मोल थोड़े चाहिए। फिर बॉन्ड घुमाओ माइनस डॉट, बॉन्ड घुमाओ माइनस डॉट, ए डॉट डॉट बॉन्ड, तो रिंग बन जाएगी, बना देना रिंग। आसान है यार, बहुत आसान है। हाँ भैया बहुत आसान है, टेंशन मत लो। ओके सो ये कर लीजिएगा, सब बहुत आसान है, ठीक है। बस वही बनाना है, माइनस डॉट और डॉट डॉट जोड़ देना है, माइनस पर एच देना है, आंसर आ जाएगा। तो ये पिनाकुल फॉर्मेशन देख लें, एक नजर देख लें इसे। अब बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक और रिएक्शन है, इससे मिलता जुलता ही है, उसमें मैकेनिज्म एंड लॉजिक भी सेम ही है, नया नहीं है कुछ, वो भी देख लेते हैं। रिडक्शन है वो भी, और वो है एसाइलोइन फॉर्मेशन, एसाइलोइन फॉर्मेशन। क्लियर? द डिफरेंस इज कि अभी तुमने किया था आर वन सी आर टू, अभी ये किया था आपने, कीटोन को रिड्यूस किया था, मेटल आपने मैग्नीशियम ली थी, यहाँ पर सोडियम होती है, काम इलेक्ट्रॉन देगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ये जल। क्लियर? अभी आपने मैग्नीशियम मरकरी लिया था, यहाँ सोडियम मरकरी है, तो देखो काम वही, इलेक्ट्रॉन कोई जल्दी देगा कोई देर से देगा, बस देगा इलेक्ट्रॉन, ये तो फिक्स है। तो मेरे भाई बस इतना फर्क है कि दिस इज रिडक्शन ऑफ ईस्टर, ये रिडक्शन ऑफ ईस्टर है। क्या है ये? रिडक्शन ऑफ ईस्टर। और मैं आपको और रिजेंबलेंस बताता हूं, दो मोल ही लगेंगे, दो मोल ही लगेंगे। नाउ अब इसका प्रोडक्ट समझें, एसाइलोइन क्या होता है? एसाइलोइन होता है आर वन, अगर आपको एसाइलोइन बनाना है तो देखिए दो मॉलिक्यूल हैं, ऐसे लिख लो दोनों को, दोनों मॉलिक्यूल को ऐसे लिख लो, लिख लिया दोनों मॉलिक्यूल को ऐसे, ये तो शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं अपन, ये यहां से उड़ा दो, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, इसमें कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। क्या निकाला है आपने? दो आर टू ओ निकाला है, इसे जोड़ो, एक डबल बॉन्ड को एच एच कर दो और यहां भी एच कर दो, तो ये ऐसा शॉर्टकट है, बाकी मैकेनिज्म आप कर सकते हैं। सो यू कैन फाइंड कि व्हाट इज एसाइलोइन, दिस इज एसाइलोइन, This is acyloin. It's a carbonyl and ये alpha. तो अगर मैं नाम लिखूं तो alpha पर OH है, means it's alpha hydroxy ketone. It's alpha hydroxy ketone. और इसी को हम बोलते हैं acyloin. इसी को बोलते हैं acyloin. ठीक है? आओ mechanism करते हैं. It's a very simple concept and आइए एक छोटी सी बात सुन लें जो आज बता रहा हूं पूरी ऑर्गेनिक में वैलिड होगी, पूरी ऑर्गेनिक में, ठीक है सुनना।
जब C पर O माइनस आता, अगर आपको याद होगा तो हमने 11th टॉटोमेरिज्म में ये चीज पढ़ी थी जो अभी मैं बता रहा हूँ, सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ। C पर O माइनस, यहां अगर P लगा हो, Q लगा हो, R लगा हो, तो ये O माइनस, ये O माइनस इस बॉन्ड के, इस बॉन्ड के और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। ऊपर माइनस है, तीन तीन लोन पेयर है, रिपल्सन, ये रिपेल करता है। तो पी क्यू आर में जिसके पास लीविंग टेंडेंसी होती है वो निकल के भाग जाता है। अब आप कहोगे चलो मान लिया लीविंग टेंडेंसी होती है, ये कैसे समझें? गुड, पी क्यू आर में अगर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो लाइक सीएल, बीआर, आई, ओआर, समझ रहे ना, फ्लोरीन, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हुआ तो वो लात खा के, ओ माइनस की लात खा के वो भाग जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अपने ऊपर माइनस चार्ज या जो सरफेस एरिया में बड़े हैं वो अपने ऊपर माइनस चार्ज अच्छी तरीके से रख पाते हैं, स्टेबल होते हैं, तो उन्हें कार्बन हाइड्रोजन नहीं निकलेंगे। यहाँ कार्बन था या इसे नहीं भगा पाएगा, सी माइनस स्टेबल थोड़े होता है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो टॉटोमेरिज्म में लगा है, आज बता रहा हूँ, आगे हर केमिस्ट्री में लगता रहेगा जब जब आप पढ़ेंगे इसे, क्योंकि ये कॉमन सेंस है। आइए मैकेनिज्म करते हैं, इसकी पूरी मैकेनिज्म आप बताइएगा। चलिए चालू करते हैं, ये आर वन, वो उधर मैकेनिज्म लिखिए, यू कैन रिलेट इट, इवन दोनों मैकेनिज्म को कंपेयर कर सकते हो। ये ओ आर टू है, ये है ओ आर टू। नाउ दो मोल सोडियम ले लो, एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जैसे वहां पर था, ठीक है, तो बनने वाली चीज क्या हो जाएगी, बनने वाली चीज होगी ट्वाइस ऑफ आर वन सी ओ माइनस सी पर डॉट ओ आर टू, ठीक है। ऐसे देखें वहां भी रेडिकल बना है, यहां भी रेडिकल बना है, और ये एनायन रेडिकल है, ये है एनायन रेडिकल, क्लियर। और इसकी डिग्री देखो क्या है, टू डिग्री है जैसे मैंने वहां बताया था, क्लियर। टू डिग्री नहीं, ये तो वन डिग्री है भाई साहब, गलत लिखा मैंने, इधर भी ओ है उधर भी ओ है, तो ये वन डिग्री है, वन डिग्री। तो वन डिग्री भी क्या करेगा, खटाक से कॉम्बिनेशन करेगा। तो मेरे भाई ये अपने ही मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा, जब अपने मॉलिक्यूल से जुड़ेगा तो आएगा ओ आर टू, ओ आर टू, आर वन एंड ओ माइनस। अब सोचने वाली बात ये है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ड्यू टू हैविंग दिस ओ माइनस इस कार्बन से ओ आर टू भाग जाएगा, क्योंकि ओ आर टू में लीविंग टेंडेंसी होती है। ये काम पहले नहीं हो सकता था क्योंकि आर टू में कार्बन होगा, ओ आर टू में ऑक्सीजन है, तो ये काम पहले नहीं हो रहा था, अब होगा। और मेरे भाई अगर ये यहां से भाग गया, अगर ये यहां से भाग गया तो क्या निकलेगा, ट्वाइस ऑफ आर टू ओ माइनस, ये निकला और बना क्या, आर वन। सारे लोग देखना मजेदार है, सी डबल बॉन्ड ओ आर वन, ये बना। आपको अगर याद हो कि जब हम यहां थे तब भी मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये और इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, तो आंसर था नहीं, क्योंकि इस पर खुद माइनस है तो ये और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। आइए अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, क्या ये और इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, बोलो आंसर है यस, क्योंकि सी डबल बॉन्डो पर तो हम इलेक्ट्रॉन दे ही रहे थे। तो मेरे भाई अब ये मत मानना मेटल बहुत लिमिटेड होता है, मेटल हम जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं। तो मेटल ये सोडियम मेटल, ये इधर एक इलेक्ट्रॉन यहां, उसी तरीके से ये एक इलेक्ट्रॉन यहां। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आर वन सी ओ माइनस सी ओ माइनस आर वन, इस सी पर भी एक डॉट होगा, इस सी पर भी एक डॉट होगा, तो ये आपका डाय एनायन बन गया, डाय एनायन। और अगर आपके पास बुद्धि है तो आप ये जरूर देख पाएंगे कि ये एक कार्बेन आयन है, ये एक कार्बेन आयन है, क्या आप देख पा रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो है। खैर अब मुझे बताओ कि क्या ये और इलेक्ट्रॉन लेगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी माइनस है। तो मेरे भाई अब आप इसमें जल डालोगे। अब एक प्रश्न आपका हो सकता है कि अगर यही कहानी थी
तो इसका जो आखिरी का प्रोडक्ट है वो भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। धैर्य रखो। जैसे तुम जल डालते हो, जल, ये जल अब सिस्टम में मौजूद हर सोडियम को पहले खत्म कर देगा। आपको पता है सोडियम मेटल हाइड्रोजन गैस निकाल देता है, तो ये पहले हर सोडियम को खत्म करेगा। खूब सारा जल डालते हैं, ये सिस्टम में मौजूद हर सोडियम को खत्म करेगा और उसके बाद यहां यहां HH दे देगा या यहां यहां HH दे देगा, आपकी मर्जी है, दोनों से सेम ही बनेगा। यहां यहां H देगा तो आंसर आ जाएगा आपका, देखिए क्या आएगा आंसर, R1 C डबल बॉन्डो CH OH R1। और अगर यहां यहां H देगा तो इनॉल होगा, उसे टॉटोमराइज करा लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट एसाइलो इन्फॉर्मेशन। अब आप बोलोगे और इलेक्ट्रॉन दो, नहीं दे सकते, सोडियम खत्म हो गया। वाटर के यूज करने के पहले जितना सोडियम यूज करना है कर लो, तो उसके पहले भैया दो बार यूज कर लिया अपन ने, उसके बाद तो वाटर डालने के बाद कोई मेटल एल्कली मेटल तो बिल्कुल नहीं बचेगी, कंज्यूम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट एसाइलोइन कंडेंसेशन। तो इसमें अगर मैं पॉइंट लिखने जाऊं तो वही पॉइंट मिलेगा मुझे, एक एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट, और थोड़ा सा यहाँ एक और पॉइंट है, कार्बेन आयन इंटरमीडिएट भी है, कार्बेन आयन इंटरमीडिएट भी है। और अगर आप ध्यान से देख पाए हैं तो ये है रिडक्शन ऑफ ईस्टर, ये है रिडक्शन ऑफ ईस्टर, रिडक्शन ऑफ ईस्टर, बिल्कुल वही है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ गया OR2 की वजह से। आप में से कुछ बच्चे यहां पर ये डाउट रख सकते हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, वो डाउट ये है कि सर एक बात बताओ, अभी अभी आपने ये बोला था, अभी अभी आपने बोला था कि C पर O- लगा हो और उसी C पर OR2 लगा हो तो O- उस OR2 को भगा देता है। मेरे भाई बोला तो था मैंने, लेकिन उससे चलो पूरा कंप्लीट कर लो, पूरा कंप्लीट कर लो, O- हो और कुछ OR2 लगा हो तो ये उसे भगा देगा, यही बोला था मैंने, लेकिन मैंने शायद ये बताया नहीं, लेकिन ये दिख रहा था कि दैट कार्बन मस्ट बी sp3, दैट कार्बन मस्ट बी sp3, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, यहां से इसे मत भगाना। अब आप कहोगे क्यों ना भगाए, सुनो, दरअसल रेडिकल और ऑक्सीजन के बीच में भी रेजोनेंस होता है, रेडिकल और ऑक्सीजन के बीच में भी रेजोनेंस होता है, जिससे ये सिंगल दिखने वाली बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो उसे हटाना भगाना आसान नहीं होता। जब ये डॉट दूसरे डॉट से जुड़ जाता है, नाउ दिस कार्बन इज sp3 और ये OR2 किसी से कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा, और अगर ये किसी से कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो O- इसे खटाक से फेंक देगा बाहर की तरफ। सो दिस इज ऑल अबाउट एसाइलोइन, ठीक है भाई, ओके। सो क्वेश्चंस में मैं समझ रहे हो ऑक्सीजन फंसा दूंगा, ऑक्सीजन लगा दूं, ऑक्सीजन ये देखिए ये तो सेम ही हो गया, इथाइल कर देता हूं, बड़ा अजीब अजीब से प्रश्न बनेंगे भाई, इसमें हटा दो। ये इसके क्वेश्चंस हैं साइलोइन के, टेंशन मत लेना। अरे यार चलो ये कर लोगे, इसमें R1 R2 ही तो बदला है मैंने, I just change R1 and R2, तो आप वो कर लो, उसमें कुछ नया नहीं है। अरे प्रभु केवल R1 R2 बदला है, COOR and COOR, ये भी वेज है और ये भी वेज है।
ठीक है, और कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एसाइलोइन कंडेंसेशन, ठीक है। सो दो एप्लीकेशंस हमने किए, एक पिनाकोल एक एसाइलोइन, बिल्कुल सेम टाइप का था और दोनों में मेटल यूज हुआ है, दोनों में मेटल यूज हुआ है। तो अगला एप्लीकेशन भी मेटल वाला ही है और ये सब रिडक्शन है, इट्स रिडक्शन ऑफ ईस्टर, वो था रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कीटोन एल्डिहाइड, और अगला भी रिडक्शन ही है, अगला भी रिडक्शन है मेरे भाई। अगला जो रिडक्शन है उस रिएक्शन का नाम है, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है ये है वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, बस अभी देखना, आप देखते ही आप कहोगे अच्छा ये वो वाली है क्या, ये वुड्स रिएक्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इस रिएक्शन में क्या होता है देखें जरा, सोडियम मेटल है हमारे पास, ठीक है, और RX है। आपको याद होगा आज ही हमने किया था, शुरुआत यहीं से की थी, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल बाय मेटल और मेटल आयंस, तो यही मैंने आपको बताया था Na प्लस RX। रिएक्शन को हम ड्राई ईथर में कराते हैं, ड्राई ईथर में कराते हैं, मजेदार चीज देखिए, 2Na 2RX मेरे भाई, दो एने, एने बड़ा सातिर है, एने दो एने इसके दोनों एक्स लेकर भाग जाता है, पीछे वाला अफसोस कर रहा है, दोनों, हाँ ये इसके दोनों एक्स लेकर भाग जाता है, 2Na 2X 2X, दो आर बचते हैं मेरे भाई, वो डाइमर बना लेते हैं आर प्लस आर, रिएक्शन कंप्लीटेड। अरे खुद बुद्धि लगाओ, आर डॉट बना होगा उसने डाइमराइजेशन किया होगा, R डॉट बना होगा उसने डाइमराइजेशन किया होगा। इस RX पर बस ये कंडीशन थी कि ये एल्काइल हैलाइड होता है, एल्काइल हैलाइड, तो इसे मैं डेफिनेशन में लिख देता हूं वुड्स रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन कितना इजी है भाई साहब, इसमें मैं क्या दूंगा आपको, खटाखट कर लीजिए, इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज treated with sodium metal in dry ether condition so that क्या मिलता है, alkene hydrocarbon है, so that corresponding hydrocarbon RR is obtained as a product। इतना आसान है भाई साहब, देखो कितना आसान, इतना आसान। मैकेनियम तो मैं आप बता ही चुका हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वुड्स रिएक्शन के रिएक्टेंट दो पाथ फॉलो कर सकते हैं, दो मैकेनिज्म से हम इसे समझ सकते हैं। पहली मैकेनिज्म जो है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लाइक ये देखो, दो एने, ये तो मैंने जो बताया था, दो आरएक्स, यही बोला था मैंने, ये छोड़कर जाएगा, इस पर डेफिशिएंसी आएगी और ये एक एक इलेक्ट्रॉन करके दो को दे देगा, अगर ये ऐसा करेगा इस पर आएगा ट्वाइस आर डॉट एंड ट्वाइस एन एक्स, और अब ट्वाइस आर डॉट के पास एक ही ऑप्शन होगा कि वो जुड़ जाए, चालू होने से पहले खत्म हुई रिएक्शन, यहां बॉन्ड टूटी है, यहां बॉन्ड बनी है, तो स्लो प्रोसेस कौन सा होगा, ऊपर वाला, दैट्स व्हाई इट वुड बी आरडीएस, ये आरडीएस होगा। और मेरे भाई यहां आप थोड़ा सा बुद्धि लगाना, इसकी एक आयनिक मैकेनिज्म भी हो सकती है, आयनिक कैसे हो सकती है सुनना, अगर दोनों सोडियम
एक ही आरएक्स को इलेक्ट्रॉन दे दें। मेरे भाई यहां ऐसा कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अगर ये एक्स निकलेगा तो आर अकेला बचेगा, और अगर आर अकेला बचेगा तो ये एक एक करके दो इलेक्ट्रॉन उसे दे सकता है। उस केस में आर माइनस एन ए प्लस और एन ए एक्स ये बनेगा। लेकिन सोचो आर एक्स तो हमने दो लिए थे, दो यहां दोनों सोडियम ने एक ही आर एक्स को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बचा हुआ आर एक्स रो रहा है, ये कह रहा मुझे कौन इलेक्ट्रॉन देगा। तो मेरे भाई इसके पास गया आर एन ए। ध्यान से देखो ये आर एन ए में आर न्यूक्लियोफाइल है और इस आर एक्स में आर इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये आर कहेगा डोंट वरी मैं हूं ना। फिर से देखिए बनने वाली चीज होगी आर आर और एन एक्स, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये आर माइनस इस आर जो कि इलेक्ट्रोफिलिक है उस पर अटैक करेगा, और ये आप देख सकते हैं तो दे आर टू पॉसिबल पाथवे जिससे रिएक्शन आगे बढ़ सकती है। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान है। पता है क्या है, जैसे मैंने कंपाउंड दिया आर एक्स, एक्स हटाओ डॉट बनाओ डाइमर बनाओ, आंसर आ गया आंसर आ गया आंसर आ गया आंसर आ गया। अच्छा आपने यहां से क्या क्या सीखा जल्दी से बता दो नोट में, नोट फर्स्ट पॉइंट। इंटरमीडिएट क्या क्या सीखा आपने, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, और बताओ इंटरमीडिएट क्या है, कार्बन आयन भी दिख रहा है, है? कार्बन आयन इंटरमीडिएट, ठीक है और बताओ क्या तुमने समझा, ये भी रिडक्शन है, हाँ रिडक्शन किसका, एल्काइल हैलाइड का, इट्स अ रिडक्शन, इट्स अ रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ओके एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन है, साफ साफ दिख रहा है मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया है उसे। फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं, फोर्थ पॉइंट बड़ा मजेदार पॉइंट है। आप देखें इस प्रोसेस से आप जो भी बनाएंगे उसका प्रोडक्ट होगा आर 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 आर, और आर में कम से कम कार्बन तो हो गई, देखो कम से कम दो कार्बन आएंगे, तो ऐसा एनसीईआरटी या कई बुक में लिखा है। इस प्रोसेस से आप सी एच फोर नहीं बना सकते, अरे यार सी एच फोर कैसे बनाओगे भाई, सी एच फोर कांट बी ऑप्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस, बाय वुड्स रिएक्शन, ठीक है ये नहीं बना सकते, सी एच फोर नहीं बना सकते। अच्छा एक पॉइंट देखना, बहुत मजेदार पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, सोचो सोचो ध्यान से सोचो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर रिएक्शन में एक आर डॉट बना, अगर रिएक्शन में एक ही जैसा आर डॉट बना है तो उसका डाइमर में होगा आर आर, यानी कि आपके हाइड्रोकार्बन एल्केन में हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे, हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और फेमस लाइन है दैट हाइड्रोकार्बन विथ बोलो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड सिमेट्रिकल। देखिए जरा भैया आर डॉट बना, आर डॉट, अब आर डॉट अपने आप से ही जुड़ेगा, तो आर में अगर एक कार्बन होंगे तो अपने आप से जुड़ेगा तो दो हो जाएंगे, दो होंगे तो अपने आप से जुड़ेगा चार हो जाएंगे, तीन है तो छह हो जाएंगे, और सिमेट्री तो रहेगी आर आर सिमेट्रिकल रहेगा भाई। तो हाइड्रोकार्बन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड सिमेट्रिकल can be obtained या can only, यही इकलौते हाइड्रोकार्बन can only obtained in good yield, obtained in good yield by Wood's reaction। For example, मैं एक example देता हूँ और आप सबसे मैं पूछता हूँ कि बताओ अगर मुझे ये आंसर चाहिए CH3CH2CH2, इधर बना देता हूं CH3CH3, अगर मुझे पेंटेन चाहिए वुड्स रिएक्शन से, पेंटेन चाहिए वुड्स रिएक्शन से, तो मेरे भाई एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि या तो आप
एक ये एल्काइल हैलाइड लेकर आए या आप एक ये एल्काइल हैलाइड लेकर आए, ठीक है, पांच के लिए दो तीन चार एक, यही कॉम्बिनेशन है। तो अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो इससे आपको एक रेडिकल ये मिलेगा और इससे आपको एक रेडिकल मिलेगा CH3 CH2 CH2 डॉट। अब दो अलग अलग रेडिकल है, दो अलग अलग रेडिकल है जो सर्टेनली आपको आपकी डिजायर्ड प्रोडक्ट तो देंगे, डिजायर्ड प्रोडक्ट तो देंगे, लेकिन क्या आप ये समझ रहे हैं कि साथ में आपको और प्रोडक्ट्स मिलेंगी? क्या आप समझ रहे हैं कि साथ में आपको और प्रोडक्ट्स मिलेंगी? पेंटेन तो मिलेगा ही, बट हेक्सेन भी मिलेगा, ब्यूटेन भी मिलेगा, और इतनी सारी प्रोडक्ट मिलने की वजह से आपको जो आपकी प्रोडक्ट चाहिए थी उसकी यील्ड बहुत कम हो जाएगी। तो ये जो चीज आपको चाहिए थी वो वेरी पुअर यील्ड में आएगी। दैट्स वाई इट्स नॉट ए गुड मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन। तो गुड यील्ड में तो केवल इवन नंबर वाले ही मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चंस और बाकी एप्लीकेशंस अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें, थ्योरी इंटरेस्टिंग है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, अपना खूब सारा ख्याल।